सूर्य अथवा सूरज प्रतीक सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग तेरह लाख नब्बे हजार किलोमीटर है जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है जिसमें से 15 प्रतिशत अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है तीस प्रतिशत पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं इसकी मज़बूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ़ खींच कर रखती है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ छियानवे लाख किलोमीटर या 9 करोड़ उनतीस लाख साठ हजार मील है तथा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में आठ दशमलव तीन मिनट का समय लगता है इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैवरासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन हीलियम, लोहा निकेल ऑक्सीजन सिलिकन सल्फर मैग्नीशियम, कार्बन नियोन, कैल्सियम क्रोमियम तत्वों से हुआ है इनमें से हाइड्रोजन सूर्य के सतह की मात्रा का चौहत्तर परसेंट तथा हीलियम 24 परसेंट है इस जलते हुए गैसीय पिंड को दूरदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखलाई पड़ते हैं इन्हें सौर कलंक कहा जाता है ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है इसको परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं इसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं